शायद एके मिश्रा जी, ये किसने कहा था, एके मिश्रा जी ने कहा था कि ठीक का एके मिश्रा ने, क्या मानो साहब का परिचय करा दें। एके मिश्रा साहब राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। एके मिश्रा साहब, हिंदी भाषी भारत में चूंकि कांग्रेस आपातकाल के दौरान भी दक्षिण भारत में बहुत खराब प्रदर्शन नहीं कर रही थी, ठीक, कांग्रेस की असली समस्या इस वक्त अगर आप देखें तो वो उत्तर भारत है। उत्तर भारत के राजनीतिक परिवेश में अगर हम त्रिपाठी जी की बात मान लें कि अध्यक्ष ही सब कुछ है, तो आदरणीय खड़गे जी के अध्यक्ष बनने से आप क्या अंतर देख रहे हैं यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? देखिए अमिताभ जी, अंत भला तो सब भला, ठीक है, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण दिन है तो बधाई तो मैं भी दूंगा कि हाँ भाई सकुशल संपन्न हुआ और खड़गे जी को बधाई, चुनाव जीता, इंटरनल जो इनका इलेक्शन सिस्टम था। सवाल ये है कि ये हुआ क्यों? पिछले 8-10 सालों से एक मोनोटोनस टाइप की लीडरशिप स्टाइल कांग्रेस में चली आ रही थी कि गांधी परिवार के लोग ही अध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी जो है राहुल गांधी हैं, अध्यक्ष भी राहुल गांधी हैं, सब कुछ राहुल गांधी हैं। देखिए बेनिफिट कांग्रेस को क्या हो सकता है, डिवीजन ऑफ जब लेबर हो जाए, यानी कि अब राहुल गांधी को थोड़ा बहुत एक फोकस्ड वे में ही काम करना पड़ेगा, मल्टीपल जिम्मेदारियां नहीं, तो हो सकता है आउटपुट कुछ बेटर आए। आपका जो मूलभूत सवाल है, अगर ये सवाल मैं कांग्रेसियों से पूछूं, दूसरे बुद्धिजीवियों से पूछूं कि क्या वो लोग खड़गे जी को राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से या प्रियंका गांधी से बेहतर नेता मानते हैं, बेहतर तरीके से जमीन पर स्थापित नेता मानते हैं, तो डेफिनेटली वो बेहतर रिजल्ट देंगे, क्योंकि सोनिया गांधी ने तो इसके पहले सरकार बनाई भी थी, वो चाहे जैसे भी करके उन्होंने किया, लेकिन उनके उनको ये क्रेडिट जाता है कि सरकार बनाई थी। अगर उनसे बेहतर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है पैन इंडिया लेवल पे, उनसे बेहतर उनकी क्वालिटी है, तो ये कांग्रेसी लोग और दूसरे बुद्धिजीवी बता दे तो मैं मान लूंगा कि रिजल्ट भी बेहतर आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भारत की राजनीति में, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, कांग्रेस के टाइम पे ही साउथ इंडिया के एक दो नेता ऐसे थे जिनको प्राइम मिनिस्टर बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी, यानी पैन इंडिया का एक्सपोजर नहीं था। आपको 80% 70% जो हिंदी भाषी है, वो तो छोड़ दीजिए 70-80%, केवल यूपी में ही अगर परफॉर्मेंस कम या ज्यादा हो जाए तो पूरा खेला बिगड़ जाता है। ये केवल यूपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब खड़गे जी के पास सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इसके पहले खड़गे जी कभी बनारस नहीं गए, कभी यूपी नहीं गए, कभी पटना नहीं गए, 10 जनपद के बाहर, दिल्ली और दिल्ली से अपने से रिलेटेड जो ऑफिशियल काम है, जैसे कभी जयपुर चले गए, भेज दिया गया दूत बन के एक पर्टिकुलर टास्क को संपादित करने के लिए, तो सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ खड़गे जी को ही है कि अपनी एक्सेप्टेंस वो जो है पूरे भारत में हिंदी बेल्ट में स्थापित करें। तो मैं तो ये देखूंगा कि खड़गे जी कितने जल्दी अपने आप को स्थापित कर पाते हैं हिंदी बेल्ट में और पूरे जनमानस के भीतर। दूसरी चुनौती होगी कि कांग्रेस में जो इंटरनल हीला हवाली है, जो पिलर कमजोर हुए हैं जिले स्तर पे, गांव स्तर पे, उसको मजबूत करना। जब तक वो मजबूत नहीं होगा चुनाव के टाइम पे रैली कर लेने से नहीं होगा। अगर राहुल गांधी ठीक है पद यात्रा अगर ये कर सके, संगठन बना सके, बेहतर मान लूंगा कि ठीक है मिश्रा जी आएंगे आपके पास, उम्मीद ठीक है, उम्मीद चाहिए डेमोक्रेसी में, उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए, उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए। एक के मिश्रा जी, क्या लगता है आपको कि शशि थरूर बेहतर चेहरा होते आज के दौर में कांग्रेस के लिए खड़गे साहब की तुलना में? देखिए अमिताभ जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज का अगर हम राजनीतिक परिदृश्य देखें और दोनों पर्सनालिटी खड़गे जी और शशि थरूर जी का अगर कंपैरिजन करें, तो भारतीय परिदृश्य के लिए शशि थरूर डेफिनेटली ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी मुझे लगते हैं। अगर वो रहते तो डेफिनेटली उनके पर्सनालिटी ट्रेट ऐसे हैं कि ग्राउंड पे वो ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाते। इन कंपैरिजन ऑफ खड़गे जी, वो उनसे ज्यादा एक्टिव हैं, उनकी हिंदी भी अच्छी है, उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, वो ज्यादा अपीलिंग है,
और कहीं ना कहीं जो एक सॉफ्ट पावर होती है किसी पर्सनालिटी की, इन कंपैरिजन ऑफ खड़के जी, शशि थरूर जी डेफिनेटली एक सॉफ्ट पर्सनालिटी के ओनर है। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर फेयर बेस पे मुझे करना होता तो मैं डेफिनेटली शशि थरूर को जो है इस चीज के लिए मैं ज्यादा बेहतर मानता, वो ज्यादा कन्विंसिंग है। दोनों के भाषण को देखते हुए, एटलीस्ट हिंदी बेल्ट के लोगों को देखते हुए, मैंने ये देखा है कि ही विल बी मोर एंड मोर प्रैक्टिकल एंड कन्विंसिंग इन कंपैरिजन ऑफ खड़गे जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शशि थरूर जी की पर्सनालिटी राव साहब, राव साहब जी यही बात राव साहब से भी, फिर चुनाव का क्या मतलब है बताओ। एके मिश्रा साहब, बात ठीक है कि नहीं मेरी? नहीं, बात अमिताभ जी आपकी सही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन में जो प्रोविजन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां पे क्लियर कट ये लिखा रहता है कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे होना चाहिए, उसको कैसे रिपोर्ट करना चाहिए। हर पार्टी जब रजिस्टर्ड होती है तो पार्टी अपना एक बायलॉज या संविधान बना के देती है, उसमें वो डिक्लेरेशन भी देती है। अब वो कैसे करते हैं, अब एक खाना पूर्ति रह गई। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, कैसे जी सब लोग आए, सर्वसम्मति से चुन लिए और वो फॉर्मेट बना करके इलेक्शन कमीशन को दे दिया, क्योंकि वो मैंडेटरी है। यही चीज जो आप लालू यादव जी के साथ बता रहे थे, मुझे तो नहीं लगता है कि फेयर कॉम्पिटिशन होता होगा वहां पे इंटरनल डेमोक्रेसी को देखते हुए, और ठीक उसी तरीके से वहां पे इलेक्शंस होते होंगे कि जो चाहे वो पर्चा भरे, अपनी अपनी कन्विंसिंग करिए। एक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती होगी, क्योंकि कोई पार्टी अगर ये बोलते कि हाँ सर्वसम्मति से ये चुने गए, तो अब आप वो समझ लीजिए जो इस डिबेट में शुरू से ही बोलते जा रहे हैं कि परिवारवाद जो है, ठीक है अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन जो है परिवारवाद, या अगर कोई ऐसा एक नेता है वो पर्दे के पीछे रह करके भी जो है सब कुछ वही देखेगा, और जब चुनाव अगर जीत गए तो उसके बाद अगर मुख्यमंत्री मंत्री वगैरह बनना है तो वही बनेगा, ये प्रॉब्लम है। गोल में सम्मेलन यहाँ नहीं है, उसके पीछे कारण है कि पार्टियां हमारे यहाँ की इतनी जो है साफ सुथरी नहीं हुई है कि इतना न्यायपूर्ण डिसीजन वो ले। सब लोग जिस दिन गोल में सम्मेलन करके ये डिसीजन लेने लगे तो उस दिन तो देश में समस्या ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ फिर चुनाव और चुनाव आयोग की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इतनी जो है सदबुद्धि पार्टियों के अंदर आ जाए। शायद एके मिश्रा जी, ये किसने कहा था, एके मिश्रा जी ने कहा था कि क्या वो सोनिया गांधी से ज्यादा नोन व्यक्ति हैं भारत में? क्या उनके पास सोनिया गांधी से बड़ा राजनीतिक कौशल है, या खड़गे साहब के पास वो पर्सनालिटी का वो औरा है जो बाकी दलों को प्रभावित करे जैसे सोनिया जी का औरा करता है? अगर वो ठीक का एके मिश्रा ने कि अगर वो सवाल का जवाब हां में है तो क्रांति हो जाएगी, और ना में है तो क्रांति कैसे होगी?